हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रिमिटिव रूट्स के बारे में जानेंगे। ये टॉपिक नंबर थ्योरी से रिलेट करता है, ठीक है। और ये जो चैप्टर हमारा है प्रिमिटिव रूट्स एंड इंडिसेस, उसका ये फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे प्रिमिटिव रूट्स के, और साथ ही साथ मोर वीडियोज़ जब आएंगी उसमें इंडिसेस के प्रॉब्लम बहुत डिस्कस करेंगे जो कि एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। तो प्रिमिटिव रूट्स क्या होते हैं डेफिनेशन के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और साथ ही साथ दो तीन प्रॉब्लम डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रिमिटिव रूट्स क्या होती है, तो मैं अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो डेफिनेशन में ये लिखना है आपको, इफ़ एन इंटीजर ए हैज़ ऑर्डर यूलर फाई एन मॉड्यूलो एन, ये एन क्या होगा, एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, ठीक। आपको यूलर फाई निकालना आता ही होगा, अगर नहीं आता डोंट वरी मैं आपको सिखा दूंगा। एंड ये जो ए है और ये जो एन है उनकी जीसीडी हमेशा वन होनी चाहिए, एंड ए एन इसको टू वन, यानी कि जी सी डी ए और एन की जी सी डी मतलब एच सी एफ। फिर क्या होता है, देन हमारे पास ए इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ एन, और ये कब होता है, यानी कि दस एन हैज अ प्रिमिटिव रूट ए इफ एंड ओनली इफ ए की पावर फाइव एन कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो एन, ठीक। अगर ये इस रिजल्ट को होल्ड करेगा तभी जाके वो ए आपका क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा, ठीक। ये तो रही बात डेफिनेशन की, देखिए डेफिनेशन से क्लियर उतना नहीं हो पाया होगा आई एम श्योर, क्वेश्चन जब हम करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी कई बच्चों को ये फाइव एन का चक्कर नहीं पता होगा, मॉडुलस के बारे में बहुत बच्चे कम जानते होंगे, तो कॉन्सेप्ट तुम्हारा पूरा भरपूर तभी हो पाएगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे एक दो, ठीक है। इस वीडियो में तो मैं सिंपल दो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन जो आने वाले वीडियोज़ में हम टफ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन बार बार यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे गए हैं, ओके। तो सबसे पहले मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ले लिया, फाइंड द प्रिमिटिव रूट ऑफ सिक्स। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि प्रिमिटिव सिक्स के प्रिमिटिव रूट फाइंड करो, ठीक, तो क्या करना है हमारे पास, कि देखो ये जो सिक्स है वो हमारा एन है, हमें क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में आ जाऊँ, हमें एन दे रखा है सिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला तो सबसे पहले क्या निकालना है, फाइव एन। अब हमें निकालना है फाइव एन, देखो फाइव एन निकालने के लिए सबसे पहले आपको करना होगा सिक्स को ब्रेक, छोटे से छोटा फैक्टर, टू थ्री जो थ्री वन जो, यानी कि ये चीज़ आपकी होती है, देखो इसका मतलब है फाइव टू, यानी कि फाइव टू इंटू फाइव थ्री, और फाइव टू निकालने का फॉर्मूला होता है टू माइनस वन, और जितना भी होगा ना उसमें से ये करते हैं थ्री माइनस वन, यहाँ से वन आ जाएगा और थ्री माइनस वन में से टू आ जाएगा, यानी कि टू, ठीक। तो फाइव सिक्स हमें क्या दे रहा है, टू, यानी कि ए की पावर टू कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो सिक्स जो देगा वो ए आपका क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन। आई बस वन में ए की पावर टू कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो सिक्स जो देगा वही आपका प्रिमिटिव रूट होगा, अदरवाइज कोई नहीं होगा। ये चीज़ आ गई समझ में, अब देखो ये चीज़, और अब एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके पास चॉइस ए की कौन कौन सी होगी, आपके पास क्या है, सिक्स है, तो देखो आपको चॉइस करनी है, वन नहीं लेना है, तो दो तीन चार पाँच ये आपके पास चॉइस बची हैं, ठीक। तो उसी को लेना होता है जो टू और सिक्स के साथ जी सी डी कितनी दे, वन दे। तो ये चॉइस आपके पास है टू थ्री फोर फाइव,
तो देखिए, आपके पास आपको उसी को लेना है, उसी ए को लेना है, सारे के लिए बात नहीं करनी है, उसी ए को लेना है जो ये 2, 3, 4 या 5 जो 6 के साथ क्या बनाएगा, को प्राइम। अगर को प्राइम का मतलब क्या होता है, जिनकी जीसीडी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर 2 और 6 लोगे आप तो उनकी जीसीडी 1 नहीं आएगी, है ना। अगर आप 3 और 6 लोगे तो भी उनकी जीसीडी 1 नहीं आएगी। 4 और 6 लोगे तो भी जीसीडी 1 नहीं आएगी, जीसीडी मतलब एससीएफ। अगर आप 5 और 6 लोगे तो जीसीडी 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको बात सिर्फ किसके लिए करनी है, 5 के लिए करनी है, बाकी इनके लिए, 2 के लिए 3 के लिए 4 के लिए क्या हो जाएगा, कट। बात ओनली किसके लिए होगी, 5 के लिए होगी। और हम देखेंगे, ज़रूरी नहीं है कि 5 आएगा। अगर इफ़ 5 की पावर 2 अगर 1 मॉडुलो 6 देता है तभी ये 5 इसका प्रिमिटिव रूट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक। और देखो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ कि ये होगा, और ये जो 2, 3, 4 हमने कट मना किया ना, और क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड भी नहीं करेगा, वो चीज़ मैं आपको आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले 2 के लिए बात कर लेते हैं जो नहीं होगा। देखो 2 की पावर 1 मतलब 2 और मॉडुलो 6। देखो मॉडुलो 6 का मतलब क्या होता है, जो भी आप यहाँ पर आता है उसको आप उस 6 से डिवाइड करते हैं, और जो शेषफल बचता है वो उसको यहाँ लिखते हैं। तो 2 तो 6 से छोटा ही है ना, तो डिवाइड तो होगा ही, तो ये 2 आ गया, 1 आना चाहिए था, नहीं आया। अब 2 की पावर 2 करोगे 4 आएगा, तो 4 भी तो 6 से छोटा ही है ना, तो इस प्रॉपर्टी को कहाँ होल्ड कर रहे हैं, 1 आना चाहिए था, 1 तो नहीं आ रहा है। सो 2 कैन नॉट बी अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 6, इट इज़ क्लियर। ओके, ऐसे ही 3 का चेक कर लेना, 4 का चेक कर लेना, आपका नहीं आएगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 5 पे, क्योंकि हमारा दिख रहा है कि 5 हो सकता है, मे बी हो सकता है ना, तो आपको लिखना है। नाउ देखो 5 की पावर 1 क्या होगा, 5 मॉडुलो 6, ठीक है, क्योंकि 6 से छोटा है हम डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो 5 ही रहेगा। 5 की पावर 2 विच इज़ 25 मॉडुलो 6। अब हम बड़ा हो गया, डिवाइड कर सकते हैं, कर दो डिवाइड, 6 चौके 24, ठीक है कि नहीं, 24 तो कितना बचा, रिमाइंडर 1। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, ऑलवेज रिमाइंडर लिखा जाता है, तो 5 की पावर 2 कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ 1 आ जाएगा, मॉडुलो 6। तो ये इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है, 5 की पावर 5 n = 1 मॉडुलो 6, इस प्रॉपर्टी को ये होल्ड कर रहा है, तो हमारा 5 क्या हो जाएगा, देयरफॉर 5 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 6, ठीक है, डन हो गया हमारा क्वेश्चन ये वाला, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट वही है। सबसे पहले आपको ये देखना है n, ठीक है, उसका यूलर फाइ निकालना है, उसके बाद ये आपको बताएगा ये चीज़, ठीक है, कि a की पावर क्या करें कि वो हमें क्या दे, 1 मॉडुलो n हमारा क्या है, 6 है, तो यहाँ n आता है, ठीक। और फिर a की चॉइस यहाँ से देखी जाती है, 6 बोला तो 6 से कम 1 को नहीं लेना होता है, 6 से कम क्या होगा, 2, 3, 4, 5। अब देखना है ये जोन सा नंबर 6 के साथ जिसे डी वन देगा उसी पे चेक करना है, बाकी पे नहीं। ज़रूरी नहीं है कि 5 देगा, इस क्वेश्चन में 5 दे दिया है, अगर क्वेश्चन में हम करेंगे तो ये चॉइस आती है कि इनमें हो सकता है, होगा ये ज़रूरी नहीं है, चेक करेंगे तभी पता लगता है। जैसे ये 5² ये दे रहा है तो हो गया, तभी ये 5 इसका प्रिमिटिव रूट है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक। अब हम और एक क्वेश्चन, देखो मैंने एक क्वेश्चन लिया है, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि शो दैट, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि शो दैट 3 इज अ प्रिमिटिव रूट ऑफ 7, ये क्वेश्चन है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन क्या है। तो अब हमें बहुत सारे प्रिमिटिव रूट आ सकते हैं, लेकिन हमें मेन बात, मुद्दा हमारा 3 पे है। अगर क्वेश्चन में ये बोलता फाइंड द रूट ऑफ 7 तो हमें सारे निकालने पड़ते हैं, बट इस क्वेश्चन में बोला है 3 आपका एक प्रिमिटिव रूट होगा, ये शो करो, तो ये 3 पे ही बात करनी है, बट मैं आपको पूरा करके दिखाऊंगा, डोंट वरी। तो सबसे पहले हमारे पास n कितने हैं, 7, 7 एक प्राइम नंबर होता है, तो 5 n करोगे तो क्या हो जाएगा, 7 - 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 6, ठीक है। तो 5 n 6 है, यानी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन
अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हमारे पास क्या होगा, ए की पावर 6 1 मॉडुलो क्या होना चाहिए 7, जो होगा वही ए उसका क्या होगा, प्रिमिटिव रूट होगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो हमें क्वेश्चन में बोला है 3 इसका एक प्रिमिटिव रूट है, यानी कि 3 की पावर 6 रिमाइंडर छोड़ेगा 1 मॉडुलो 7 के केस में। ठीक, अब आ जाओ देखो, मैंने आपको बोला तो सिंस हमारे पास जो चॉइस बचती है ए 7 बोला है, यानी कि 2 3 4 5 6, अब जो इसके साथ जीसीडी बनाएगा, सिंस 2 × 7 जीसीडी 1 देता है, तो मे बी 2 इसका हो सकता है इसका प्रिमिटिव रूट, पता नहीं चेक करेंगे। 3 और 7 की जीसीडी भी 1 होती है, हो सकता है, और क्वेश्चन में बोला है ये तो होगा, इस पर हम बात करेंगे, ये तो होगा ही होगा। 4 और 7 इसकी जीसीडी भी 1 आ रही है, 5 और 7 इसकी जीसीडी भी 1 आ रही है, 6 और 7 इसकी जीसीडी भी 1 आ रही है। तो पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक, ये सभी हो सकते हैं, बट क्वेश्चन में बोला है कि शो करो 3 इसका एक प्रिमिटिव रूट है, तो 3 के लिए चेक कर लेते हैं। बात जैसे मैं 3 के लिए कर रहा हूँ वैसे आप 2 के लिए देख लेना, 4 के लिए देख लेना, 5 के देख लेना, 6 के लिए देख लेना। आई बस वन में, तो सबसे पहले बात करते हैं 2 की पावर 1, यानी कि 2 मॉडुलो 7 ही लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा है, कोई दिक्कत नहीं। 2 की पावर 2, 2 × 4 आएगा, 7 से छोटा है। 2 की पावर 2 है तो मैं 2 की पावर डायरेक्ट 4 कर रहा हूँ, यानी कि इसका स्क्वायर, यानी कि 4 × 4 को क्या हो जाएगा 16 मॉडुलो 7, 16 आ गया है, 7 से बड़ा है, तो क्या कर दो डिवाइड 7 से, 7 × 2 = 14 कितना बचा रिमाइंडर 3, यानी कि 2 की पावर 4 रिमाइंडर छोड़ रहे 3 मॉडुलो 7, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन बात करनी है क्या 2 की पावर 6 1 दे रहे हैं, देखो 2 की पावर यहाँ पर कितना है 4 है, ठीक है, 2 की पावर 4 हमारे पास है 3 मॉडुलो 7, 2 की पावर 6 चाहिए, यानी कि 2 की पावर 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 2 2 की पावर 4 यहाँ 3 है और 2 की पावर 2, ठीक, यहाँ तो हो गया 2 की पावर 6, और यहाँ देखो 2 की पावर 4 3 जा क्या हो जाएगा चाहती हैं 12, और यहाँ क्या है देखो मॉडुलो 7, ठीक, ये चीज़ हो गई। तो 2 की पावर के लिए हम बात कर रहे हैं, अब देखो डिवाइड करना है 7 से 12 में, तो 7 कम 7 बचा 5, तो 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट हो रहा है 5 मॉडुलो 7, यहाँ 1 नहीं छोड़ रहे हैं, तो यहाँ इससे क्लियर हो गया कि जो 2 इसका एक प्रिमिटिव रूट नहीं होगा। 2 की पावर 6 इसका एक 2 की पावर 6 यहाँ पर 1 छोड़ना चाहिए था रिमाइंडर, नहीं छोड़ रहे, तो ये 2 इसका एक प्रिमिटिव रूट नहीं है। आई बस वन में ये हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोला 3 इसका प्रिमिटिव रूट है, तो आप ऐसे ही 4 का चेक करना, 5 का चेक करना, 6 का चेक करना, मैं अब 3 का चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। देखो 3 की पावर 1 3 होगा मॉडुलो 7, 7 से छोटा है तो 3 ही रहेगा। 3 की पावर 2 9 मॉडुलो 7, 7 से भाग करोगे 9 में, 7 × 7 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, यानी कि 3 की पावर 2 कितना छोड़ रहे हैं 2 मॉडुलो छोड़ रहे हैं, 2 रिमाइंडर छोड़ रहे हैं, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो, यानी कि 3 की पावर 4 क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 मॉडुलो 7, हमें चाहिए 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कब आएगा जब 3 की पावर 4 × 3 की पावर 2 होगा, और 3 की पावर 4 हमारा कितना है 4, और इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है 3 की पावर 2 से, ठीक, तो 4 3 × 3 = 9 मॉडुलो 7, ठीक है, 4 × 9 = 36 मॉडुलो 7, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब देखो 7 को डिवाइड करना 36 में, 7 × 5 = 35 घटाएंगे तो 1 आ गया, 1 मॉडुलो छोड़ रहे हैं, और क्वेश्चन में बोला भी था, बोला था ना
कि 3 इसका एक प्रिमिटिव रूट होगा। देखो 3 की पावर 6, 1 मॉडुलो 7 छोड़ रहे हैं, तो 3 इसका क्या हो जाएगा, प्रिमिटिव रूट हो गया। ऐसे ही आप किस पे चेक कर लेना, बाद बाकी जो है ना 4 पे चेक कर लेना, 5 पे चेक कर लेना, 6 के प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, क्या 4 होगा, क्या 5 होगा, क्या 6 होगा। ऐसे आई होप मैं आपको प्रिमिटिव रूट का ये कॉन्सेप्ट समझा ज़रूर पाया हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं और भी प्रॉब्लम लेके आऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।